कल भी हैदराबाद था और यहां से कल मैं हुमनाबाद गया था। बीदर जिले में जो हैदराबाद कर्नाटका का इलाका है, उस इलाके में मैं कैंपेन कर रहा हूं। आज मैं गुलबर्गा जाऊंगा, कल बीदर और अफजलगढ़ के इलाके में 3 विधानसभा में मेरा रोड शो होगा, फिर कल शाम में मैं हैदराबाद लौटूंगा। कर्नाटक में अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, लेकिन कर्नाटक में बीदर का इलाका और गुलबर्गा का इलाका जितना बंगलौर के नजदीक है उतना नजदीक, उससे ज्यादा नजदीक हैदराबाद के। तो सिद्धारमैया जितने चिंतित हैं भारतीय जनता पार्टी की आंधी से, केसीआर भी उतने ही फिक्रमंद नजर आते हैं, क्योंकि बीजेपी की कमल के फूल को छूती हुई हवा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी दस्तक दे रही है। इसलिए कोई रोल न होते हुए भी अपना रोल तलाशने की कोशिश आंध्र का वर्तमान नेतृत्व और तेलंगाना का वर्तमान नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में होने वाली जीत से अभी से चिंतित हैं। कर्नाटक से बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो नजदीक तलक हैदराबाद भी आएगी और बगल में आंध्र प्रदेश भी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जीत रही है, इसलिए कांग्रेसी हर उस हथखंडे पर उतर आए हैं जिसका लोकतंत्र में कभी भी जिसकी चर्चा नहीं थी। फर्जी वोटर आई कार्ड भी कांग्रेस के डूबते हुए जहाज को बचा नहीं सकता। फर्जी वाड़े के खेल में कांग्रेस पहले से माहिर है, लेकिन अब फर्जी वोटर आई कार्ड भी बनाने का खेल कांग्रेस करती है, ये एक्सपोज हुआ। लेकिन कर्नाटक की जनता पूरी तरह से जागरूक है, कांग्रेस कितना भी खेल कर ले उसका खेल सफल होने वाला नहीं है। अपार बहुमत से येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में कर्नाटक में सरकार बनेगी। चुनाव कर्नाटक का है, राहुल गांधी दिन भर प्रचार करते हैं और दिन में ख्वाब देखते हैं। राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस में एक्टिव हुए हैं, उपाध्यक्ष के नाते 13 राज्य में हारे थे, उन्होंने सोनिया जी पर दबाव बनाया, एक बार मुझे अध्यक्ष बना के देखिए मैं क्या करके दिखाता हूं, तो उनको अध्यक्ष भी बना दिया गया। अध्यक्ष बनने के बाद 5 राज्य में चुनाव हारे, जीत का सिक्सर तो बहुत देखा होगा आपने, लेकिन राहुल गांधी कर्नाटक में 6ठी हार अध्यक्ष के तौर पर उनके गले में आने वाली। राहुल गांधी
को अब कर्नाटक में सरकार बीजेपी की बनेगी इसमें उनको शक नहीं लगता है, इसलिए इस हार के बाद कांग्रेस में बगावत न हो, उनके नेतृत्व पर सवाल न उठे, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से वो खुद ब खुद, उनके पार्टी में भी कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा जो उनकी वकालत करे, अपना मुकदमा खुद ही लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूं। राहुल जी, देश की जनता आपको किसी पद पर बैठाने को तैयार नहीं है। 13 जगह हारे, 5 जगह अध्यक्ष के तौर पर हारे, कहीं भी एक राज्य में जिताते, लेकिन उल्टी गंगा बह रही है कांग्रेस में। 13 जगह हारे तो उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बना दिया, अब उनको लगता है कि सोनिया जी का आशीर्वाद है, कर्नाटक हारेंगे तो 6 जगह हो जाएगा, तो हर हार के बाद प्रमोशन तलाशते हैं राहुल गांधी। लोग जीतने के बाद प्रमोशन तलाशते हैं, ये हारने के बाद प्रमोशन की उम्मीद लगाए हुए हैं। जैसे अब वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूं, तो प्रधानमंत्री की वैकेंसी तो 2024 तक नहीं है, कहां का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आप? भारत में तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और अगर आंकड़ों के आधार पर देखें तो लगातार राज्यों में विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिल रही है। हाँ, कहीं बाई इलेक्शन होते हैं, उसके स्थानीय कारण होते हैं, एकाग रिजल्ट हमारे पक्ष में ना आया हो, लेकिन जो भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, आम चुनाव विधानसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में विकास चाहती है। कर्नाटक में जो लूट की छूट सिद्धारमैया सरकार ने अपने मंत्रियों को दी थी, सिद्धारमैया सरकार ने जिस तरह से लिंगायत समाज को बांटने का कुप्रयास किया, जिस तरह से समाज के अंदर कानून का राज समाप्त करने का काम किया, इस बार जनता उनको सजा देने वाली। हमें सब समाज का वोट कर्नाटक में मिल रहा है, और मैं मानता हूं कि अब कर्नाटक इंतजार कर रहा है कि एक बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाए तो उसमें कोई दुश्वारी नहीं। लेकिन जिनका कोई रोल नहीं है, ऐसी पार्टियां भी, बीजेपी से डरी सहमी पार्टियां अभी से कर्नाटक में जाकर अपना रोल तलाश रही, और तेलंगाना में जनता का ध्यान बांटने के लिए यहां के मुख्यमंत्री राज संभल नहीं रहा, अब राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं ताकि मुद्दों से तेलंगाना के लोगों को हटाया जाए। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सत्ता बनाएगी, और कर्नाटक के बाद कर्नाटक की जीत हमारी है, उसके बाद तेलंगाना और आंध्रा की बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।